फ्रेंड्स, आपको मैं बताने जा रहा हूँ, अगर गर्मियों में पीते हैं फ्रिज का ठंडा पानी तो जरूर जाने इससे शरीर में क्या होता है। तो स्वागत है फ्रेंड्स हमारे इस चैनल लोटस आयुर्वेदा इंडिया में। आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, ताकि स्वास्थ्य से संबंधित सारी जानकारियां आपको लगातार मिलती रहे। गर्मी के मौसम में इतनी ज्यादा गर्मी पड़ती है कि हमारा दिल कुछ ठंडी चीजें खाने का करता है, और ऐसे में फ्रिज का ठंडा पानी पीने का हमारा सबसे ज्यादा दिल करता है। परंतु क्या आप जानते हैं कि फ्रिज का ठंडा पानी पीने से कुछ देर तक तो हमारी प्यास बुझती है और इससे हमें ठंडक भी मिलती है, मगर कुछ देर बाद फिर से प्यास लगनी शुरू हो जाती है और फ्रिज के ठंडे पानी से हमारे शरीर को बहुत ही नुकसान पहुंचता है। और ठंडा पानी पीने से हम खुद ही कई बीमारियों को बुलावा देते हैं, जो हमारे शरीर व स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक साबित होती है। क्या आप जानते हैं हमें पानी अपने शरीर में तापमान के अनुसार पीना चाहिए। एक सामान्य इंसान के शरीर का तापमान 98.6 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हम ज्यादा ठंडा पानी पीते हैं तो इसे हजम करने में बहुत ज्यादा समय लगता है, जबकि गुनगुना पानी जल्दी हजम हो जाता है। इसलिए हमें हमारे शरीर के तापमान के अनुसार पानी 20 से 22 डिग्री सेल्सियस वाला पानी पीना चाहिए, ताकि ये पानी जल्दी हजम हो सके। सामान्यतः गुनगुने पानी को हजम होने में 1 घंटा लगता है। तो आइए जानते हैं कि फ्रिज का ठंडा पानी पीने से हमारे शरीर को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और ये पानी हमें क्यों नहीं पीना चाहिए। पहला नुकसान है, इम्यूनिटी पावर कमजोर हो जाती है। फ्रिज का ठंडा पानी पीने से हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, जिससे हमें बीमारियों से लड़ने की ताकत खत्म हो जाती है और हमें वायरल इन्फेक्शन जल्दी हो जाता है, और हमें सर्दी जुकाम जल्दी हो जाता है, और कई बार हमारी छाती में बलगम भी जम जाता है और इससे हमें कई बीमारियां हो जाती हैं। इसलिए हमें फ्रिज का ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। पाचन क्रिया कमजोर होना। फ्रिज का ठंडा पानी पीने से हमारी पाचन क्रिया कमजोर हो जाती है, क्योंकि इससे शरीर की खून की धमनियां सिकुड़ जाती हैं और जो हम खाना खाते हैं वो भी हजम होने में समय लगता है। खाना खाने के तुरंत बाद ठंडा पानी पीने से हमारी खाना हजम करने की पाचन क्रिया धीमी हो जाती है। खाना खाने के तुरंत बाद लार ग्रंथि में ज्वलनशील गैस निकलती है, जो खाना पचाने में सहायक होती है। जब हम ठंडा पानी पीते हैं तो ये आग ठंडी पड़ जाती है, जिससे पाचन क्रिया बाधित हो जाती है। इसलिए ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। कैलोरी अधिक बर्न होती है। ज्यादा फ्रिज का ठंडा पानी पीने से हमारे शरीर की कैलोरी ज्यादा बर्न होती है और पाचन शक्ति ज्यादा कमजोर हो जाती है। वैसे तो कैलोरी बर्न होना अच्छी बात है, लेकिन अपनी पाचन शक्ति को कष्ट देकर कैलोरी बर्न करना ठीक नहीं है। इससे हमारे शरीर में ज्यादा कमजोरी आ जाती है। बवासीर की समस्या। फ्रिज का ज्यादा ठंडा पानी पीने से हमें बवासीर की समस्या हो सकती है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी हम कोई भी चीज फ्रिज में रख देते हैं तो वो जम जाता है। इसी तरह जब हम खाना खाने के ऊपर ठंडा पानी पीते हैं तो वो हमारी आंतों में मौजूद मल को जमा देता है, जिससे हमें बड़ी आंत व बवासीर की बीमारी हो सकती है। अगर हम धूप में से एकदम आकर ठंडा पानी पी लेते हैं तो इससे हमें सनस्ट्रोक हो सकता है। फ्रिज का ज्यादा ठंडा पानी पीने से हमारा गला खराब हो सकता है और गले से संबंधित कई रोग हो जाते हैं। फ्रिज का ठंडा पानी पीने से हम दिल से संबंधित रोगों को भी बुलावा देते हैं। इससे दिल की धड़कन धीमी हो जाती है, जिससे हार्ट अटैक जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। कई बार ज्यादा ठंडा पानी पीने से सिर दर्द की समस्या भी बढ़ जाती है। पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। फ्रिज का ज्यादा ठंडा पानी पीने से शरीर में जाने वाले खाने के सभी पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि ठंडा पानी पीने से हमारा शरीर भी ठंडा हो जाता है। ऐसे में शरीर का तापमान और खाने की वस्तु का तापमान एक दूसरे से मेल नहीं खाता है, और जिससे शरीर के कई पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि ठंडा पानी हमारे शरीर की ऊर्जा को खत्म कर देता है।
तो ये थे फ्रेंड्स, अगर गर्मियों में पीते हैं फ्रिज का ठंडा पानी तो जरूर जानें इससे शरीर में क्या होता है। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, ताकि इसी तरह की जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। अगर आपको स्वास्थ्य से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स के द्वारा पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।